नजर आवाज टीवी के प्रोग्राम दी अज विथ मोहसिन बबर में अवे भलीकार नजर अजो के पैं प्रोग्राम में अस जिन टिन सेगमेंट्स में ाली उनमें पर्यों तहरीक इंसाफ पारा एक स्टेटमेंट जो शहर आफरीदी दिनी जैं अस पॉलिटिकल पार्टियों से न ाली अस आर्मी चीफ ए डी जी आई साई से ाली वाजे शहर आफरीदी पीटीआई जो हार्ड कोर मैंबर मजा है कौमी असेंबली मैंबर भी उन वाजे तौर से नेशनल मीडिया से अची गाल कही है तेज वाजे तौर से पॉलिसी सामूँ अची वही है तक समझो अची वही पीटीआई छा चाहे थी बाकी उन्होंने मकसद है इनते असा गाल बोल क्यों था उनका असा गाल बोल कंदासी कि सोलर पैनल से एक टैक्स लगाने की तजवीज़ आ रही जैसे तजवीज़ आई जैसे वफाकी हुकूमत तरदीद कई उन सिंध हुकूमत भी उनकी मुखालवत कई है नासिर शाह साहब तवान जो वजीर उन्होंने मुखालवत कई है ये सोलर पैनल जो मामलो है नेट मीटरिंग इन असा अज पे प्रोग्राम में टच दिंदी टों सेगमेंट असा कंदी फातिमा फरोड़ो केस से जैंजा प्रोसिक्यूशन विटनेस फ्री वह पंज जे प्रोसिक्यूशन विटनेस उन्होंने बयान अल्फी जमा कराए पान के हिना शाह जी जवाबदार मुलजिम है इन केस में उन्हीं के इन से घो फेवर मिलने जो इम्कान मौजूद है खदशो मौजूद है इन पर पा अज बोल गाल बोल थोड़ा उनके लीगल एस्पेक्ट्स से हैपनिंग थी उन गाल बोल कंदी पैं अस गाल बोल कंदी पीटीआई के शहर आफरीदी जो उन बयान से जैमें उन्होंने तो असा फौज से ऐलान तैयार मुझे जॉइन किया है इस्लामाबाद में सीनियर सहाफी रजा खट्टी साहब खट्टी साहब इन बयान तो बिल्कुल वाजे कर छो है हाँ तो पीटीआई चाहे थी खड़ी केडो भी डिनाई कन पर हाँ तो वाजो थी वो पीटीआई चवे थी तो असं बेन से ाली सकूँ अस इस्टैब्लिशमेंट से ाली जैमें उन्होंने आर्मी चीफ ए डी जी आई सी से ाली तो यो तो गाल पैर भी एक्सपोज थे हुई पर हाँ तो वाजे थी वही ख्याल है सही न ख्याल तो असल में पेरी गाल वक्त वही मेहरबानी पेरी एक्चुअली इशू यो है तहरीक इंसाफ के अंदर इन वक्त मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट्स जो कम कन था यानि बैरिस्टर गोहर है उनकी पॉलिसी है जो शेर अफजल मरवत है उनकी पॉलिसी है उमर अयूब की पॉलिसी है ज़ाहिर जो पख्तूनख्वा वो सी एम आए गंडापुर साहब उनकी पॉलिसी है हाने इन जगह गाल कई है शहरयार आफरीदी शहरयार आफरीदी तें खबर है तो ये वही मानू है जै जैसे राणा सनाउल्लाह के गिरफ्तार किया वो उनका जो मंशियात बरामद थी इन असेंबली के फ्लोर से कलमो भरे चाहिए तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ये असा मिली है उनका उन वक्त जो छापो हो फौजी सरबराह उन वर्दी में उन कसम किया हो गाल जे जो मुस्लिम लीग नून जो रहनुमा है परवेज रशीद वो ढी सुी गाल थी उ मान जो दुरूद पढ़ने का दुरूद पे दुरूद पढ़ा कूड़ गाल सो असल गाल वक्त भी ही जाहिर है पाकिस्तान की आर्मी चीफ के आई एस आई चीफ के ही पैं इन सजे मामले जो समझन था तो जैसे उ राजी थी वन तो ये जेके केस सब खत्म थी वा एक गाल यानी यह गाल क्लियर है तो वो समझन ही था तो ये सब उन्होंने केस दाखिल कराया ने उन्होंने सा ही गाल तो खत्म थी बी गाल तो सियासी जमायतों जेके उड़े लेखे दिठो वे तो पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है उन नुमाइंदा जमायतों पर उनकी मेहरबानी के कर ही पावर कॉरिडोर के अंदर पैतियों हाँ बदनसीबी आ मुल्क की त पाकिस्तान में इमरान खान जो गलतियों क्यों उजीम आई इन क्यों हाँ वरी उ सागी गलत यानी फायदे में वरी उ जिनके लिए ही चवे तो आफरीदी साहब तो असल गाल एकड़ी गाल यानी पलड़ो उन्होंने भारी है बी गाल है तो कल जन यह गाल कई है उन वक्त डी जो ही यह गाल क्लियर थी चुकी हुई तो आर्मी चीफ क्लियर चयो हो नालो खण का सवाए तो जेके मानू सोशल मीडिया के जरिए जेके मनफी पैगाम दियन था या मनफियत फैलाइन था असा उन्होंने शिकस्त दींदी कें सूरत में बर्दाश्त न कंदी जाहिर है यो इशारो उन तरफ हो तो गाल तय है तो फिलहाल 9 मई अचे पी 9 मई की जेका एनिवर्सरी थीणी है उन वक्त ताईं तहरीक इंसाफ से गालिन जा के चांस कोने बी गाल तो ये जो मौजूदा पॉलिटिकल रिजीम है वो की चाहिंदी तहरीक इंसाफ से गालियों थीन उन्होंने इमरान खान जेल में बाहर अचे इन वरी नवा लचा पैदा थीन सो मौजूदा पॉलिटिकल रिजीम कतई नथी चाहे पर रज़ाक शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर साहब जा जेके स्टेटमेंट्स अचन पे उ खुद
हिननि जो राणा सनाउल्ला ऐं ॿियनि जा स्टेटमेंट्स बि आया जंहिंमें चयो त नवाज़ शरीफ साहब बि इमरान ख़ान सां ॻाल्हाइण लाइ तयारु आहे, शहबाज़ शरीफ साहब बि सॉफ्ट कॉर्नर ॾेखारियो आहे, त हिन दफ़े त ही हिन पासे त ही त ॻाल्हाइण लाइ तयारु आहिनि। न ॾिसो हिकिड़ी ॻाल्हि, एक्चुअल इशू इहो आहे त शहबाज शरीफ या शहबाज शरीफ खे कराची में ई चयो वियो त बाबा तव्हां इंडिया सां इमरान ख़ान सां हथु मिलायो, यानी मुल्क जो जेको अंदरूनी सियासी इस्तेहकाम आहे हुनजे लाइ पेर वधायो ऐं ख़ारजी मामला जेके आहिनि ख़ासि करे इंडिया सां उहे बहितर कयो। तव्हां सभु सम्झो था त इहे ॿई मामला जेके आहिनि पाकिस्तान जी इस्टेब्लिशमेंट जे हथ में आहिनि, इहे पाकिस्तान जी जेका सिविलियन रिजीम आहे उनजे हथ में आहिनि ई कोन। ऐं ॿी ॻाल्हि इहा त असल में शहरयार आफरीदी बुनियादी तौर ते ख़ुदि मुंहिंजी नज़र में वॾो तहरीक इंसाफ़ खे इन करे नुक़सानु पहुचायो आहे त हुनखे इहा ॻाल्हि करणी ई न हुई त असां हुन सां ॻाल्हाईंदासीं। हू चवे आहे त असां सियासी कुवतनि सां ॻाल्हाइण जे लाइ तयारु आहियूं, छाकाणि त हिन वक़्तु ताईं जेको कुझु बि तहरीक इंसाफ़ लोड़े पई उहो रुगो पंहिंजे प्रकारनि जे करे ई लोड़े पई। हाणे हिन सॼी सूरत हाल जे अंदरि जेकॾहिं हू हिकु दफ़ो वरी चवे थी त असां हुननि सां ॻाल्हाईंदासीं त उनजो फ़ाइदो पाकिस्तान जी इस्टेब्लिशमेंट खे वेंदो, उहो उनजी पोज़ीशन अञा वधीक। रज़ाक मूंखे हिकिड़ी शइ ॿुधाइजो त हीअ जेका पीटीआई जे अंदरि हिकिड़ा उहे माण्हू जेके इस्टेब्लिशमेंट सां ॻाल्हाइणु चाहिनि था, हिकिड़ा उहे माण्हू आहिनि या के माण्हू आहिनि जेके सियासी धुरियुनि सां जेके जेन्युइन पॉलिटिकल धुरियूं आहिनि पीएमएलएन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐं ॿियूं जेके धुरियूं असांजूं आहिनि उन्हनि सां ॻाल्हाइण में दिलचस्पी रखंदा हुजनि, त इहो ॿिन्ही ग्रुपनि में कंहिंजो पलड़ो भारी आहे, कहिड़ो ग्रुप वधीक मज़बूत आहे विद इन पीटीआई? मोहसिन साहब मुंहिंजो ख़्यालु आहे जेको गारियाल ग्रुप आहे उहो घणो हावी आहे, इमरान ख़ान खे वणंदो पियो आहे, जेल में न हुयो जॾहिं प्राइम मिनिस्टर हुयो, तव्हांखे यादि हूंदो त जेके बि आड़ी काप क़िस्म जा या वॾे पैमाने जा जेके गारियाल आहिनि उहे ई हिन जे सभिनि खां वेझो ऐं जा मंज़ूर नज़र हुआ। को बि संजीदा पोलिटिकल माण्हू ज़ाहिर आहे हुनखे हू जेको माण्हू हार्ड लाइन नथो वठे उहो जेको माण्हू सूरताल खे बहितर बणाइण चाहे थो इमरान ख़ान खे उहो कतई सुठो कोन लॻंदो आहे। मुराद सईद हुजे, शहरयार आफरीदी हुजे या इन क़िस्म जा जेके ॿिया माण्हू आहिनि उहे हुनखे वधीक बहितर लॻंदा आहिनि। सो हिन वक़्तु बि मूंखे लॻे थो त शेर अफ़ज़ल मरवत जेको मूंखे सची ॻाल्हि इहा आहे त करे करे लॻंदो आहे त शायदि नॉर्मल माण्हू बि न आहे, पर उहो हुनजो मंज़ूर नज़र आहे। अली अमीन गंडापुर मंज़ूर नज़र आहे, माना सियासी पंहिंजो रज़ाक सियासी फज़ीलत वारा माण्हू जेके आहिनि उहे पीटीआई में मिसफिट आहिनि, ईअं ईअं चई सघिजे थो? हा मुंहिंजो ख़्यालु आहे त ॾिसो ॻाल्हि इहा त जेकॾहिं इमरान ख़ान उन्हनि माण्हुनि जी ॻाल्हि मञे हा ऐं सूरत हाल खे उन हिसाब सां हलाया त शायदि अॼु हुनखे इहे ॾींहं न ॾिसणा पवंदा, यानी पंजाब जी हुकूमत ख़तमु करणु, पख़्तूनख्वा जी हुकूमत ख़तमु करे हुन पंहिंजे पाण खे सियासी तौर ते तमामु घणो नुक़सानु पहुचायो। हाणे ॾिसो न जेकॾहिं पाकिस्तान जी इस्टेब्लिशमेंट हिन मुल्क जे अंदरि समूरियूं तहरीकूं दॿाए सघे थी ऐं जिन तहरीकनि में जान न हुजे उन्हनि में जान विझी हुकूमतनि जे मथे जो सूरु पैदा करे सघे थी, तहरीक इंसाफ़ खे सॼो जेको हवा ई उन भरी हुई त उन जी पॉपुलरिटी में इनकार न आहे हुन खां, इहा ॻाल्हि ठीकु आहे। ऐं हुनजो सबबु इहो आहे त उहो एग्रेसिव आहे, उन इमरान ख़ान इन नारे जे ई बुनियादनि ते वोट माण्हुनि खां वरिता, इहो इस्टेब्लिशमेंट खे वॾो चैलेंज आहे, वॾो थ्रेट बि आहे, पर इस्टेब्लिशमेंट खे इन जो सबक हासिल करणु घुरिजे त हू जेके बि पंहिंजा माण्हू पैदा करे थी उहे बाद में उनजे ई कंध में पवंदा। पाकिस्तानी तारीख़ में रहियो आहे। रज़ाक तव्हांजी वॾी महिरबानी, तव्हां हिन में असांखे इनपुट ॾिनो पंहिंजो, जेको जेका बि ही इनपुट जेको बि शहर आफरीदी चयो आहे ऐं उन में जेको ग्रुप आहे ही मज़बूत आहे पीटीआई में, तंहिंजे करे इन्हनि जी फ़िलहालु नज़र नथो अचे त हिनखे इस्टेब्लिशमेंट कीअं रिस्पॉन्ड कंदी, सियासी धुरियूं अॻिते हली कीअं रिस्पॉन्ड कंदियूं। नाज़ी वठूं था हिकिड़ो ब्रेक, ब्रेक खां पोइ असां ॻाल्हाईंदासीं सोलर पैनल जे मामले ते जंहिंमें जेका इहे कंट्रोवर्सी हींअर जनरेट थी आहे ऐं कुझु ख़बरूं आयूं आहिनि, इन ते ॻाल्हि ॿोल्हि कंदासीं हिकिड़े ब्रेक खां पोइ। जी नाज़रीन, हिन मामले ते असांखे ॻाल्हि ॿोल करण लाइ जॉइन कयो आहे फॉर्मर मेंबर एनर्जी प्लानिंग कमीशन ऐं तवानाई जे मामलनि जा एक्सपर्ट आहिनि सईद अख़्तर अली साहब। अख़्तर साहब बहुत शुक्रिया आपने हमें जॉइन किया। अख़्तर साहब, ये आप एनर्जी को तो बहुत तफसील के साथ और गहराई से इसका मुताला करते हैं और आप अभी तक भी इस मामले पर जो भी नई पॉलिसीज आती हैं उस पर आपका ज़रूर ओपिनियन होता है। आप ये जो सोलर का मामला अभी चला है इस पर टैक्स लगाने की तजवीज़ है और उस पर एक बड़ा सारे पाकिस्तान में एक रिएक्शन आया है सिर्फ इस तजवीज़ पर,
तो आप इसको इस सोलराइजेशन जो इस मुल्क में हो रही है, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, थैंक यू फॉर टेकिंग मी इन। देखिए, बात ये, वो तो हुकूमत ने, पावर डिवीजन ने तर्दीद कर दी है। वो अब मैंने देखा है टीवी पर कि वो कहते हैं कि जी, ऐसी कोई तजवीज जो है जेरे गौर नहीं है जिसमें सोलर पर टैक्स लगा दिया जाए। तो जहां तक ये बात है, ये तो क्लैरिफाई हो गई है, मगर जो इशू चला हुआ है वो है नेट मीटरिंग पर। जी, तो उस पर अगर आप कुछ सवाल करना चाहें। जी सर, मैं नेट मीटरिंग पे आ रहा हूँ, लेकिन आपने ये जब तर्दीद अगर तफसील से पढ़ी हो, उन्होंने जरूर तर्दीद तो कर दी है, लेकिन उसी तर्दीद में अगर आप नीचे उसको पढ़े हैं, वो कह रहे हैं कि जी, ये जो भी हम टैक्सेशन इस पर या जो भी नेट मीटरिंग पर हम कर रहे हैं, उससे अपना एक रुपया 90 पैसे जो है वो अमीर आदमी को या अमीर जो कंज्यूमर है उसको सब्सिडी जा रही है। तो ये भी एक नजर आ रहा है कि शायद इससे वो कुछ ना कुछ इस पर टैक्सेशन या कुछ रेट में टैरिफ में तब्दीली करने जा रहे हैं। हाँ जी हाँ, वो नेट मीटरिंग के हवाले से है। नेट मीटरिंग में हुकूमत का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो एक लिहाज से तो सही लगता है, वो बात तो सही कह रहे हैं कि जो सोलर नेट मीटरिंग है वो तो अमीर आदमी करा रहे हैं ना, जिसके पास छत है इतनी बड़ी जी, और पैसे हैं 10 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, बाद लोगों ने तो और ज्यादा लगाया हुआ है उसमें। तो बात यह है कि ये तो बात सही है उनकी कि जो जो हुकूमत सब्सिडी देती है वो एक्चुअली अपने फंड से दे रही है। तो वो हुकूमत ये कहती है कि जी, गरीब बजाय अमीर आदमी को देने के, जिसने नेट मीटरिंग पर खर्चा किया है, उसको हम गरीबों को अगर वही सब्सिडी जो है वो अगर पास ऑन कर दें तो वो बेहतर नहीं है। तो उस लिहाज से तो मैं एक लिहाज से ये बात तो मैंने पहले भी कही थी, जब ये पॉलिसी ला रहे थे तो मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि ये अमीर लोग ही लगाएंगे और ये गरीबों से पैसा निकलेगा। ये मैंने 4-5 साल पहले ही अर्ज कर दिया था। लेकिन बहरहाल गवर्नमेंट की पॉलिसी ये थी कि सोलर को फरोख दिया जाए, तो बहुत सारे लोगों ने जो है सोलर लगा लिया इसी उस लालच में या इस इंसेंटिव में कि ये उनको सस्ता पड़ेगा। कम से कम ये है कि ज्यादातर सोलर लगाने वालों का जो मकसद था वो ये था कि उनको जो बिल, चूंकि नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी बिल चूंकि बढ़ रहा है और बढ़ता रहेगा शायद, तो सोलर लगा के वो उनका बिल जो है या तो कम हो जाएगा या जीरो हो जाएगा। Yeah. तो शायद हुकूमत, अभी तो उनकी कोई पॉलिसी नहीं आई, मगर शायद वो 4 किलो 10 किलोवाट तक के लोगों का को शायद कोई इंसेंटिव अभी शायद रखें। Yeah. और 10 किलोवाट से जो ज्यादा लोग हैं उन पे शायद इंसेंटिव कम कर दिया जाए या बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। मुझे नहीं मालूम कि वो फाइनली उनका क्या, मेरे ख्याल में अभी तो डिस्कशन हो रहा है, अभी कोई फाइनलाइजेशन उन्होंने नहीं की। लेकिन सर, और आपको शायद ये भी मालूम हो। जी सर नहीं, मैं अर्ज कर रहा था कि सर 70 रुपए फी यूनिट पे चला गया है, यूनिट तकरीबन अगर आप देखें तो, जो लोग जाहिर है लगाना चाह रहे हैं, जो लोग लगाना चाह रहे हैं, और अब तो बैंक भी इस पर लोन दे रहे हैं और इस पर बड़ा बड़ा कम इंटरेस्ट रेट पर भी लोन मिल रहा है, तो लोग मिडिल क्लास का भी आदमी जो जाहिर है कहाँ से दे 20-30 हजार रुपए का बिजली का बिल, तो वो चाहता है कि मैं लोन ले लूँ और 20-30 हजार बैंक की किस्त में चले जाएं तो मुझे कम से कम बिल तो नीचे आ जाएगा। तो ये तो बड़ी एक अच्छी फैसिलिटी है, तो इसको भी अफेक्ट तो होगा इस अगर टैक्सेशन लगाई जाती है तो। नहीं नहीं, मैं समझता हूँ कि अव्वल तो टैक्स का तो शायद प्रपोजल मिसअंडरस्टूड है। वो टैक्स का कोई प्रपोजल मैंने नहीं सुना, मेरी नज़र से नहीं गुजरा, ना मैंने लोगों से सुना जिन सर्कल्स में मैं से कनेक्टेड हूँ जी, तो मैंने तो ये नहीं सुना। तो ये तो सोलर तो लोग लगाएंगे और मेरे ख्याल में सोलर की पॉलिसी तो जारी रहेगी, ऑल्दो मेरा हुकूमत से इस वक्त कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन बहरहाल तो व्हाटएवर लिटिल आई नो
तो सोलर तो लोग लगाएं और लगाते रहें, नेट मीटरिंग का इशू है। तो सोलर पे तो मैं भी अपोज करूंगा इसको, और कोई भी इसको पसंद नहीं करेगा। तो ये इंशाल्लाह टैक्स ही लगेगा सोलर पे, जहां तक मेरी जी अंडरस्टैंडिंग। अख्तर साहब, एक और चीज़ है इसमें, एक और आपने अखबार में भी खबर पढ़ी होगी और ग्रुप्स में भी आया होगा कि वो कह रहे हैं कि इस वक्त जो जो जी जी जो जो गवर्नमेंट है, मकसद जो डिस्कोस है, वो कोई 21-22 रुपए पर यूनिट नेट मीटरिंग से पे करती हैं कंज्यूमर को, जिसके पास रिवर्स जी मीटरिंग जी या नेट जी मीटरिंग जी लगा हुआ है, वो उसको कम करके 11 रुपये पर जी लेके आ रहे हैं। ऐसा भी कोई प्रपोजल है? और अगर ऐसा होगा तो इससे क्या होगा? हाँ, ये तो है। जो जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है वो उस पे जाहिर है दे विल बी अफेक्टेड, और लोगों ने इसी उसमें लगाया, तो उसमें तो ये है कि थोड़ा इंसेंटिव तो वाकई कम हो जाएगा। लेकिन ये कि जैसे कि मैंने अर्ज किया कि अगर 10 किलोवाट तक वालों को तक अगर ये महदूद कर दिया जाए नेट मीटरिंग को, और इंसेंटिव को उनके कुछ बेहतर रखा जाए तो शायद बेहतर होगा। इसमें आपको शायद मालूम हो कि बहुत सारे लोगों ने पैसे इन प्रॉफिट बनाने के लिए नेट मीटरिंग को इस्तेमाल किया है, तो वो शायद अब नहीं होगा। लेकिन सर, पैसे तो आपको, तो अख्तर साहब, आपको आपके इल्म में है कि जो जो डोमेस्टिक कंज्यूमर है उसको पैसे तो नहीं दिए जाते डिस्को की तरफ से, वो तो एडजस्ट कर दिए जाते हैं यूनिट, कोई कैश पेमेंट तो रिवर्स नहीं या होती, वो तो पैसे एडजस्ट कर दिए जाते हैं। अच्छा, ये मुझे नहीं मालूम था फ्रेंकली। जहाँ तक मेरी इत्तला थी कि लोगों ने ज्यादा कैपेसिटी के भी लगाए हैं और एक्स्ट्रा जो पेमेंट है वो की जाती है, मगर आप बता रहे हैं तो ये आपकी बात सही होगी। तो कहने का मकसद है कि मेरी गुजारिश हुकूमत से ये होगी कि जो 10 किलोवाट वाले हैं उनको का इंसेंटिव जो है वो या तो स्टेटस को उस पर रखें या उनके इंसेंटिव को थोड़ा सा डिफरेंशिएट करें, यानी 21 और 11 के दरमियान कोई राह लें ताकि उनका ऑब्जेक्टिव जो है गरीबों की मदद करने का वो भी रहे, और सोलर का जो इंसेंटिव है और जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है उनको भी ज़्यादा नुकसान ना हो। एक और अख्तर साहब, आखिरी चीज़ मैं आपसे मालूम करना चाहूँगा कि अब सोलर के जो रेट्स हैं, आपको पता है वो 20 रुपये वाट्स तक कहा जा रहा है कि मार्केट में आ गए हैं, और टेक्नोलॉजी भी बेहतर जी हुई जी है, तो ये ज़ाहिर है अब तो 20 रुपये जब वाट्स पे आ जाएगा, जो कि पता नहीं कहाँ चला गया था, तो अब तो आम आदमी भी जिसके घर में नहीं भी, वो कम से कम 300 वाट का लगा लेगा, छोटे छोटे पैनल्स लगा के वो अपना काम चलाएंगे। तो लोगों की अब मजबूरी तो हो गई, क्योंकि बिजली इतनी महंगी हो गई है, तो वो भी लोग लगाना हाँ, उसको। बिल्कुल, और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और लोग लगाएंगे उसमें। यानी मैं दोबारा फिर अर्ज करूंगा कि सोलर पैनल्स की इंपोर्ट पे या सोलर इक्विपमेंट पे कोई टैक्स नहीं लग रहा, तो लोग इंशाल्लाह लगाते रहेंगे और उन्हें लगाना चाहिए। एक और बात मैं आपसे अर्ज करूं कि जो नेट मीटरिंग वाले लोग हैं, मुझे उनको मशवरा ये होगा कि वो बैटरीज लगा लें। आजकल आपको मालूम होगा कि लिथियम आयन बैटरी जो है वो बहुत सस्ती हो गई है, जी और इस वक्त 3-3.5 लाख रुपए में आपको 5-6 किलोवाट की बैटरी मिल जाती है, और उसकी एफिशिएंसी भी ज़्यादा है कन्वेंशनल बैटरी से, और उसकी लाइफ भी 10 साल 15 साल लाइफ है। तो अब बजाय नेट मीटरिंग के, या थोड़ी सी नेट मीटरिंग कर लें और कुछ जो है वो बैटरी में स्टोर कर लें, तो ये देखना होगा लोगों को कि स्टोरेज जो है लिथियम आयन बैटरी में वो उनके लिए मुनासिब होगा या नहीं। मैं समझता हूँ कि वो स्पेशली वो लोग जिन्होंने 10 किलोवाट से ज्यादा लगाया है कैपेसिटी, वो एक्सेस कैपेसिटी को अब सोलर स्टोरेज पर या लिथियम आयन स्टोरेज पर कन्वर्ट कर ले। तो इससे सर एक अच्छा, फिर एक और, और भी सलूशन है कि जी एक जी सलूशन और भी है जी कि आप ये जो इन्वर्टर्स हैं नेट मीटरिंग वाले, उनको आप वो हाइब्रिड से ऑटो स्विचिंग कर सकते हैं। कुछ टेक्निकल सॉल्यूशंस हैं, मैं ज़्यादा टेक्निकल नहीं होना चाहता, लेकिन बस इशारतन बताना चाहता हूँ कि
पहले तो नेट मीटरिंग ही ऑप्शन था, अब आप जो है वो नेट मीटरिंग के साथ साथ आप हाइब्रिड पर भी स्विच ऑटो स्विचेस लगाकर उसको स्विच ऑन कर सकते हैं अपने हाइब्रिड सिस्टम। लेकिन एक सर इसमें एक चीज है, ये जो आप लिथियम बैटरी की आपने बात की है, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आप लेकिन उसको सोलर से रिचार्ज करें तो अच्छा है, वरना फिर वही आप डिस्को से ले रहे होंगे उसको चार्ज करने के लिए पावर, तो आपको सोलर के साथ करना पड़ेगा। मेरा मशवरा यही होगा कि आप कुछ तो अपने दिन का जो कैपेसिटी, दिन का जो आपका खर्चा है, लोड है, उसके अलावा भी कुछ सोलर और लगा लें, ताकि उसको आप कुछ कैपेसिटी आपके पैनल्स की स्टोरेज के लिए भी हो, जो आप 7 से 11 के दरमियान क्योंकि टैरिफ ज्यादा होता है तो वो आप अपने स्टोरेज से सर्व करें। तो अभी लिथियम आयन बैटरी और भी सस्ती होगी इंशाल्लाह। जी जी जी, और यू विल सी के लोग नेट मीटरिंग के मोहताज नहीं होंगे। जी सर जी, अख्तर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपसे इंशाल्लाह मैं आपसे टेक्निकली आपसे इनपुट आप लेते रहेंगे, आप इस फील्ड में बड़ा अच्छा काम किया। नाज़रीन सईद अख्तर अली साहब मेंबर रहा इन प्लानिंग कमीशन जा एनर्जी जा हींअर एक्सपर्ट मामलन ते उन्हें सा इन मामले ते सोलर ते गाल कई छा सोलर हाँ कल्चर थो पे वे हाँ मुकम्मल एक बिन साल में अंदर सोलर हाँ घर की जरूरत होंगी। नाज़रीन इन मामले ते वरी असा वरी तक अपडेट कंदा रहंदासीं। हींअर वठूं था ब्रेक का बे मामले ते गाल कयूं। नाज़रीन वेलकम बैक, असा हाँ गाल बोल कंदासीं फातिमा फरोड़ो के केस ते। फातिमा फरोड़ो के केस में जिकड़ी हेयरिंग थी है, उन्हीं हेयरिंग में कुछ डेवलपमेंट्स थी हैं। उन डेवलपमेंट जो सूरत हाल है, जो प्रोसिक्यूशन विटनेस हुआ उन्होंने जो है बयान हल्फी पंजो जमा कराए छो, शायद वो बैकट्रैक करना चाहन था। इन हवाले से अज हेयरिंग थी है, हाँ हेयरिंग बी मार्च से थी। एक ASI उनकी भी एप्लीकेशन आई आवे थी, पर इन केस में उन मुतलक को अदालत जो फैसलो ना आयो, तेज कर प्रॉब्लम नजर अचन पाया। पर जो मेजर अज की डेवलपमेंट यहाँ है तो इन केस में जो प्रोसिक्यूशन विटनेस हुआ वो शायद बैकट्रैक कर वह या इनकी लीगैलिटी से असं गाली असें इन केस के परस्यू कदर फातिमा फरोड़ो के केस के परस्यू कदर सफदर कनासरो साहब असा मौजूद हैं। कनासरो साहब वही मेहरबानी तुम जॉइन कर सर, थोड़ो अजोकी थोड़ो असें डिटेल बुझा अजोकी हेयरिंग जो छाकाण तो हि को लगे तो खबरों के सुठी ना भाई। ये 26 तारीख ते केस की सुनवाई लगल हुई जी, उन डिफेंस काउंसिल बेल एप्लीकेशन फाइल कई, मुलजम है बीबी हिना शाह, तो उन बेल एप्लीकेशन का सपोर्टिंग में एफिडेविट्स हुआ कुछ प्रोसिक्यूशन विटनेस जहाँ जैमें छोकरियों टे छोकर है, छोकर में आए सानिया फरड़ो उजाला, छोकर में आए सगीर नसीम मोहम्मद हसन। हाँ ये जे भी हुआ ये जांच दौरान पुलिस इन जहाँ स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया जैमें कुछ आई विटनेसिस जिन यो बयान दिनों हो तो असाजे सामूँ विक्टिम फातिमा फरड़ो से तशद थो हो जैसे नतीजे में वरी बात जो मेडिकल एविडेंस आ वह कन्फर्म करे पे तो तशद के नतीजे में उनकी डेथ की हुई है। तो इन केस के पेडेंसी दौरान फरियादिन के भी मुख्तलिफ तरीकन से प्रेशराइज किया वो जैसे वो कें प्रेशर में ना आया तो उनके विटनेसिस उन्होंने या तो प्रेशराइज किया या हरासा या उनके लालच दे खरीद किया वो है। तो पुलिस के बुधायण का बगैर या अदालत के बगैर परमिशन के सरेपिशली लिखी छपी उन विटनेसिस के उतना जो तरजो को है पीरल शाह बकोल फरियादिन के वो पी गाड़ी में खी वो 23 तारीख एफिडेविट कराया जैन एफिडेविट में इन्हें यो जाना तो जांच दौरान अस 161 CRPC जो कोई भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड न कराया ना ही कंखे अस इम्प्लीकेट किया जवाबदार के जमानत मिले थी तो असा कोई इतराज कोने को। तो ये असा जो नोटिस में आया तो अस नो डाउट शॉक में हुआस तो यो कि पर कनर साहब ये छोकरी जका उजाला है आई ब्याज के विटनेस है इन्हें तो बाकायदा टीवी ते बैन रिकॉर्ड कराया हुआ आई वरे वाजे तौर ते असा भी टीवी ते डठो सी आई सोशल मीडिया ते उनन जा स्टेटमेंट हलया टीवी ते जिन चयो ता असा दे सामू सब कुछ हुआ ये रुगो पुलिस जे अग्या बयान रिकॉर्ड कराने गाल ना इते सजी पब्लिक सजी दुनिया डठो।
बिल्कुल तव्हां सही था चयो ऐं उहे जेके बि मीडिया ते हिन जा बयान हुया टीवी ते कुझु बीबीसी ते बि आया त उन्हनि जा वीडियो जेके बयान आहिनि उहे प्रोसिक्यूशन साइड उन्हनि जी फॉरेंसिक कराए छॾी आहे लाहौर लेबॉरेटरी खां जंहिं मां प्रतमशन इहो आहे त इहे वीडियो बयान जेन्युइन आहिनि ऐं इहे विटनेस सपोर्ट कनि था ऐं उहो वीडियो बयान जेको आहे उन जूं कापियूं असांजे प्रोसिक्यूशन जे केस पेपर सां गॾु आहिनि एज़ ए डॉक्यूमेंट यानी इहे सम्झो केस प्रॉपर्टी आहे उहा हिकिड़े यूएसपी आहे त हिन स्टेज ते जेके एफिडेविट ॾिना विया आहिनि इहे कंहिं कम जा कोन आहिनि मां नथो सम्झां त जवाबदारनि खे हिन मां को फ़ाइदो पवंदो बेल स्टेज ते बाक़ी अॻिते हली जेकॾहिं एविडेंस रिकॉर्ड थिए थी ऐं विटनेस बॉक्स में अची उहे विटनेसिस फ्री था वञनि यानी पहिरें बयान खां उनजे उबतड़ को बयान था ॾियनि त केस ते असरु थींदो माना तव्हां चओ था त इहो पर इन सां हिन शाह खे जेका मुलज़िम आहिनि मेजर मुलज़िम आहिनि हिन मामले में उनखे बेल जो फ़ाइदो मिली सघे थो इन्हनि इन्हनि स्टेटमेंट सां हीअ जेके जमा करायूं आहिनि मां नथो सम्झां छो त हिन में असांजी सुप्रीम कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट कराची हाई कोर्ट उन जा खोड़ सारियूं जजमेंट्स आहिनि जंहिंमें इहो लिखियो वियो आहे त अहिड़े क़िस्म जा एफिडेविट्स बेल स्टेज ते ज़्यादातर को फ़ाइदो कोन था ॾेई सघनि ऐं तोड़े जो कुझु विटनेसिस माना ब्रेकआउट करे वेंदा आहिनि त अदालतनि पोइ बि ज़माने जी तरफ़ा सां अलो कोन कई आहे त उन्हनि जजमेंट जी रोशनी में मूंखे उमेदु आहे त खेरपुर जी एपीसी अदालत हिन ज़्यादातर को फ़ाइदो कोन्हे पर प्रोसिक्यूशन जेके विटनेस आहिनि जेके बि पंज या चार या पंज आहिनि इहे जॾहिं ज़ाहिर अदालत में पेश थींदा कटहरे में ईंदा त जरह त तव्हां कंदव हुन सां तव्हां सवाल कंदव उहा जरह थींदी ऐं इहे सभु शयूं असां ॾिसो न असां हींअर फिरियादी जा वकील आहियूं ऐं असां एविडेंस लीड कराईंदासीं उन्हनि खे उन जो बयानु जेको ओरिजिनल आहे उहो असां रिकॉर्ड कराईंदासीं उनजी जरह जवाबदारनि जा वकील कंदा उन्हनि खां न पर हीअ जेके बाद में जेकॾहिं फ्री था वञनि त ऐं अगरि विटनेस बॉक्स में फ्री था वञनि त असां जेको सरकारी वकील साहिबु हुन वक़्तु हूंदो प्रोसिक्यूटर उहो हुननि खे होस्टाइल डिक्लेयर कंदो होस्टाइल विटनेस उहो जेको हक़ीक़त सां फिरी वञे त पोइ वरी हुनखे राइट हूंदो आहे त हुन विटनेस खां जरह करे पोइ हाणे तव्हां पर हिन सां बाज़ारि लॻे थो त केस कमज़ोर थियो आहे प्रोसिक्यूशन विटनेस ते या जेका बि स्टेटमेंट आई आहे चलो बाद में जेको मामिलो थिए पर हींअर जेका बि स्टेटमेंट आई आहे हिन सां केस फरियादी धुर जो कमज़ोर थियण जो ख़दशो मौजूदु आहे ख़दशो आहे उन्हनि जा मां जेको ज़िमेदार ठहिराईंदुमि वरी बि रियासती अख़्तियारनि खे ठहिराईंदुमि छो त सभिनी खे ख़बर आहे त अहिड़े क़िस्म जे केसिस में छा छा एप्रिशन हूंदियूं न त जेको असांजी पुलिस आहे या ॿिया इदारा एविडेंस सिक्योर न करे सघिया आहिनि एविडेंस सिक्योर जो मक़सदु इहो त फरियादियुनि खे सिक्योरिटी मिले हा उन्हनि खे सेफ प्लेस ते शिफ्ट कजे हा ऐं उनजो वीडियो कॉन्फ्रेंस ज़रिए बयान रिकॉर्ड थिए हा ऐं जवाबदारनि मां कंहिंखे बि एक्सेस न ॾिजे हा त उहे फरियादी या उनजे गवाहनि ताईं रसाई हासिलु कनि पर फ्रीक्वेंटली उन्हनि खे एक्सेस हुई जॾहिं बि वञनि पिया जहिड़े टाइम हुन दिलि चए पई त उते ॻोठु पहुचनि पिया कॾहिं मेट जी सूरत में कॾहिं ॿिए हवाले सां पोइ पंहिंजी मर्ज़ी ते गाॾियुनि ते खणी पिया वञनि त उते जेको तरह जो एसेशो आहे खानवाण जो उनखे उनजो नोटिस वठणु खपंदो हो या इहो तइ करणु खपंदो त जेको बि जवाबदारनि मां या को चङो बीठो फरियादनि या उन विटनेस ते रसाई हासिलु करे थो त थाणे में एंट्री दाख़िल कराए ऐं ॿुधाए त छो थो वञे कहिड़े मक़सद लाइ थो वञे पर इहो पाण पोएं दफ़े बि सफदर साहब पाण पोएं दफ़े बि हिन ते डिस्कशन कयोसीं त फरियादनि जे मथां प्रेशर आहे ऐं इहो त वाज़े आहे सॼे तव्हां इलाइक़े में चौबोल त इहो सभिनी खे ख़बर आहे त फरियादनि जे मथां कीअं प्रेशर आहे इहे प्रोसिक्यूशन विटनेस जे मथां कीअं प्रेशर विधो वञे पियो इन हवाले सां का कार्रवाई न थी या फरियादनि तरफ़ां का दरख़्वास्त दाख़िल न थी या वकीलनि तरफ़ां का दरख़्वास्त दाख़िल थिए हा त भई त फरियादी धुर ते ऐं जे विटनेसिस ते प्रेशर विधो पियो वञे साईं हे काफ़ी थोरो लिकी छपी थियो आहे कमु जॾहिं फरियादियुनि खे हुन अप्रोच कई आहे त फरियादियुनि तॾहिं त हुनखे रिस्पेक्ट ॾिनी आहे बाक़ी फरियादियुनि सां ठाह करण जे लाइ का अहिड़ी ॻाल्हि न कई पर ख़ुदि फरियादी बि हिन में माना हैरत में हुया त अचानक हिकिड़ी गाॾी आई ऐं उन्हनि विटनेसिस खे खणी वई आहे हिन महीने जी 23 तारीख़ ऐं फरियादी हुन ते एहतजाज कयो फरियादी मेरापुर प्रेस क्लब ते हिकिड़ी कॉन्फ्रेंस बि कई ऐं उते एहतजाज बि कयो ऐं जॾहिं मूंखे हुन इतलाउ ॾिनो त हितां खेरपुर जा जेके साफ़ी हज़रात आहे मां बि हुननि खे हक़ीक़त ॿुधाई ऐं तॾहिं इहा ज़ाहिर न हुई ॻाल्हि त उन्हनि प्रोसिक्यूशन विटनेस खे कहिड़े मक़सदु ख़ातिर खणी आया पर जॾहिं हाज़िरी हुई त उन्हनि ख़बर पई त हिन जा एफिडेविट कराइणा आया अच्छा ॿी साईं हाणे हिन में थोरो अॻिते वधूं था
ज़ाहिर है बाज़ार हिन ते प्रॉब्लम अॻिते हली हिन केस में बि थींदो, पर हिकिड़ो ई एस आई वारो छा मामिलो साईं? एस आई को दरख़्वास्त ॾिनी आहे त मुंहिंजो फ़ैसिलो अचे ऐं अदालत पोइ चयो आहे त हिन एस आई मुतालिक़ जंहिं चयो आहे त मुंहिंजो वास्तो कोन्हे हिन केस सां, उहो छा मामिलो आहे पुलिस अहलकार जो? साईं मूंखे नोटिस में न आई आहे ॻाल्हि त कहिड़ो एस आई आहे जंहिं इहो चयो आहे, उन ॾींहुं जॾहिं हाज़िरी हुई त मूंखे अहिड़ी शइ नोटिस में न आई, अॻु में का थी आहे थी सघे थो अॼु अॼु कुझु मीडिया तरफ़ां इहा रिपोर्टिंग थी आहे जंहिंमें चयो वियो त अॼु जेका हेयरिंग थी आहे उनमें फर्दर छा थियो, फर्दर फ़ैसिलो छा थियो त 2 मार्च ते जेका वरी हेयरिंग थींदी या नेक्स्ट जेका हेयरिंग थींदी? 3 मई ते, 3 मई ते जेका हेयरिंग थींदी त अॼु उहो कहिड़े बुनियाद ते हेयरिंग खे 3 मई ताईं मुलतवी कयो वियो? 3 मई ते इन लाइ एजेंट थियो आहे त हिकु त दरख़्वास्त आई आहे हुन ते हेयरिंग थींदी, आर्गूमेंट थींदा, ऐं ॿियो इहो जेको 3 तारीख़ हाईकोर्ट में एस एच ओ अमीर चांग जो मसलो टंगियल हुयो त हाईकोर्ट बि उन ते कोन को फ़ैसिलो ॿुधाईंदी त अमीर चांग खे जॉइन करे थी या उनखे केस मां कढे थी, त उनखां पोइ हीअ केस वरी माना प्रोसीडिंग शुरू थींदियूं। उनजो अञा फ़ैसिलो न अची सघियो आहे अमीर चांग जो? न, उन न थियो आहे, उहो 3 अप्रैल ते लॻियल आहे। 3 अप्रैल ते रखियल आहे, ठीकु साईं। कलंदर साहब तव्हांजी वॾी महिरबानी, तव्हां असांखे हिन केस ते अपडेट कयो, नज़र ई अपडेट आहिनि ऐं तमामु अहम अपडेट इन फातिमा फरोड़ केस जा इन करे आहिनि जो प्रोसिक्यूशन विटनेस जेके आहिनि उहे पंहिंजा बयान फेराए विया आहिनि ऐं हुननि खे 23 तारीख़ ते हिकिड़ी गाॾी में इन जेका धुर आहे जवाबदर धुर जे माण्हुनि तरफ़ां हिकिड़ी गाॾी विझी उतां खयो वियो ऐं हुननि जा बयान कराया विया, बयान हेल्फी कराया विया एफिडेविट ते, ऐं बाद में अॼु हुननि खे इन्हनि बयाननि खे प्रोड्यूस कयो वियो ऐं उहे सभु जा सभु जेके हुआ प्रोसिक्यूशन विटनेस जिन वीडियो ते अची इहे बयान ॾिना हुआ उहे तक़रीबन हाणे तक़रीबन छा फ्री विया आहिनि बिल्कुलु हाणे। उहो फरियादी धुर जे मथां इहो प्रेशर हूंदो फातिमा फरोड़ केस ते हिन ते फ़र्क़ु ज़रूरु पवंदो, इहो हाणे केतिरो फ़र्क़ु पवे थो, हिन जी जरा थींदी बाद में जीअं साईं ॿुधायो सफदर कनासुर साहबु, ॾिसूं था हिन मामले ते अॻियां छा थो थिए। 3 अप्रैल ते बि हिकिड़ो फ़ैसिलो एस एच ओ वारे इन इन्वॉल्वमेंट जो अचिणो आहे, उनखां पोइ 3 मई ते जेको आहे जी हेयरिंग वरी थींदी। तव्हांखे असां आवाज़ टीवी तरफ़ां हिन प्रोग्राम में अपडेट कंदा रहूं था हिन मामले ते। अॼोके प्रोग्राम मां मोहसिन बबर खे इजाज़त ॾींदा, सदाई गॾु।